रहीम वालेकुम दिस इज माय नाम जो एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम गोहर पब्लिशर्स मोटो इज लर्निंग्स डियर स्टूडेंट्स आज हम गोहर साइंस क्लास फोर का चैप्टर नंबर टेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ स्टूडेंट्स आपको पता है मोबाइल फोन नहीं होगा तो आप हमारा ये वीडियो लेसन किस तरह सुनेंगे मोबाइल फोन नहीं होगा तो आप जब घर से बाहर होंगे तो अपने घर वालों को कॉल कैसे करेंगे मोबाइल फोन नहीं होगा तो आप लर्निंग कैसे करेंगे डिफरेंट चीजों को कैसे सीखेंगे आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपने फ्रेंड्स से कैसे बात करेंगे या ऐसे रिलेटिव से कैसे बात करेंगे जो बाहर के मुल्क में रहते हैं अब तो मोबाइल फोन्स के अंदर कैलकुलेटर्स भी आ गए हैं हुँ? है ना बहुत मजे की इन्वेंशन तो चलिए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि मोबाइल फोन का क्या-क्या यूज है तो जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 129 ओपन कर लें 129 पर यूज ऑफ मोबाइल फोन में हमें बताया जा रहा है कि ये वायरलेस है आपको पता है पुराने जमानों में जब टेलीफोन इजाद हुआ था तो टेलीफोन के साथ वायर्स लगी होती थी और वो एक ही जगह पर पड़ा होता था एक घर में एक टेलीफोन होता था और जितने भी टेलीफोन यूज़ करना है वो उसके पास जाता था उसे उठाता था उसकी वायर्स के थ्रू जो है वो बात हो सकती थी और वो जहाँ पे भी, भी टेलीफोन पड़ा होगा वहाँ पे उसकी वायर्स मौजूद होंगी लेकिन हमारा मोबाइल फ़ोन इतना इजी टू यूज़ है कि हम इसे घर के बाहर भी लेके जा सकते हैं कभी आपने पहले ज़माने में देखा कि कोई इंसान अपने साथ टेलीफोन उठा ला रहा है नहीं ना क्योंकि उसके साथ तो वायर्स लगी होती थी लेकिन हमारा मोबाइल फ़ोन वायरलेस है और इससे हम कॉल्स कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं और इसकी और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जैसे कि आप जानते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं अलार्म क्लॉक के तौर पर यूज़ करते हैं अब तो हमारे फ़ोन्स में कैलेंडर भी है कैमरा भी है तो हर चीज़ जो है हमारे फ़ोन में आती चली जा रही है अब आप एक एक्टिविटी एक परफॉर्म करेंगे आपके सामने मोबाइल फ़ोन है जिसमें आपने क्या करना है आपने ऐप ड्रॉर पे क्लिक करना है कैलकुलेटर ओपन करना है और इसके साथ साथ ही आपने जो है वो अपना अलार्म क्लॉक ओपन करना है आपने अपनी मदर का मोबाइल फ़ोन उनकी इजाज़त से लेना है उनकी इजाज़त के बग़ैर नहीं लेना उनके पास बैठना है और उनसे पूछना है कि ममा मैं किस तरह से जो है इस मोबाइल फ़ोन में अलार्म लगा सकता हूँ किस तरह से मैं इस, इस मोबाइल फ़ोन का कैलेंडर ओपन कर सकता हूँ मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये चीज़ें आती होंगी लेकिन अगर नहीं आती तो अपनी मदर से आपने पूछ के ये तमाम चीज़ें एक्टिविटी के तौर पे परफॉर्म करनी है और कुछ कैलकुलेशंस करनी है कैलकुलेटर खोल के ओके okay, स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट एक्टिविटी पर चलते हैं ये आपकी बहुत मजे की एक्टिविटी है आपने अपने स्मार्टफोन के अंदर कैमरा ऐप ओपन करना है और पिक्चर्स बनानी है हम्म ये तो सबका फेवरेट काम है और आप लोग ऑलरेडी इसको जानते भी होंगे और करते भी होंगे आई नो दैट जी तो स्टूडेंट्स है ना मजेदार टॉपिक ये टॉपिक तो आप सबका फेवरेट है मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का तो सबको बहुत शौक है तो आपने एक्टिविटी के तौर पे अपनी मदर का फोन लेना है उनकी इजाजत से और ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह एक कैलकुलेटर का यूज खत्म हो गया है मोबाइल से किस तरह कैलेंडर का यूज खत्म हो गया मोबाइल से और किस तरह कैमरे का यूज खत्म हो गया मोबाइल के आने से और इवन अलार्म क्लॉक्स का भी यूज हमने खत्म कर दिया क्योंकि तमाम काम अब हमारा एक स्मार्टफोन करता जा रहा है अपना बहुत सारा ख्याल रखे न्यू लेसन में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे तब तक ये एक्टिविटीज परफॉर्म करें एंड एंजॉय लर्निंग अल्लाह हाफिज़